एक मर्तबा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी जगह तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपने एक चरवाहे को रास्ते में बैठा हुआ देखा। वो चरवाहा अपनी सादा लोही की वजह से अपने हाल में मस्त अल्लाह ताला से महवे गुफ्तगू था। वो कह रहा था, ए अल्लाह, तू कहाँ है? तू मेरे पास आता कि मैं तेरा नौकर बनूँ, तेरे जूते सी दूँ, तेरे सर में तेल डालकर तेरी कंघी करूँ। तू मेरे पास आ कि मैं तेरी खिदमतें करूँ, तेरे कपड़े सी दूँ, तेरे कपड़े धोऊँ, तेरे सर से जुएं निकालूँ, तुझे बकरियों का दूध पिलाऊँ, अगर तू बीमार हो जाए तो मैं तेरा गमख्वार बनूँ, तेरे प्यारे प्यारे हाथों को चूमूँ, तेरे नाजुक नाजुक पाँव दबा दूँ, जब तेरे सोने का वक्त आए तो तेरा बिस्तर तेरे लिए सजा दूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तुझ पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी ये तमाम बकरियाँ तुझ पर कुर्बान। अगर मुझे ये पता चल जाए कि तू कहाँ रहता है तो मैं तेरे लिए रोज़ाना दूध लेकर आऊँ। न जाने वो बेखुदी के आलम में अल्लाह ताला से क्या क्या गुफ्तगू कर रहा था जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसकी बातें सुनकर नाराज़ हुए और सख्ती से इस चरवाहे से कहा, अरे बेवकूफ़, तेरी ये बातें अल्लाह ताला के बारे में बिल्कुल कुफ्रियाँ हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक हर खिदमत से बेनियाज है? ऐ शख्स, तू अपनी इन बातों से जो तूने कही हैं तौबा कर और अल्लाह ताला से माफ़ी का खास्तगार हो, कहीं ऐसा ना हो कि तू अल्लाह की पकड़ में आ जाए। इस चरवाहे ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, हाय अफसोस कि मैं अनजाने में क्या क्या कह गया, लेकिन मैं तो अल्लाह ताला को याद ही कर रहा था और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि अल्लाह मेरी मस्कूरा खिदमात का मोहताज नहीं है, वो मेरी इन तमाम बातों से बेनियाज है। चरवाहे के दिल पर अल्लाह ताला का इस कदर खौफ तारी हुआ कि इसने अपने कपड़े फाड़ डाले और रोता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। वो अभी वहाँ से भागा ही था कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि ऐ मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा कर दिया। वो चरवाहा तो मेरे इश्क में मुबतला होकर ऐसी बातें कर रहा था और मैं इसकी ये बातें बड़ी मोहब्बत से सुन रहा था। इस चरवाहे को मुझसे सच्ची मोहब्बत थी, वो अपने दिल की गहराइयों से मुझसे मोहब्बत करता था जिसका इजहार वो बेखुदी के आलम में कर रहा था। बेशक मैं इन चीज़ों से पाक हूँ जो वो कह रहा था, मगर वो चरवाहा ये इल्म ना रखता था। इसका दिल मेरी मोहब्बत से सरशार था, इसकी नीयत अच्छी थी, इसके दिल में मेरे लिए अकीदत व मोहब्बत थी। ऐ मूसा, मैंने तुझे इसलिए मबूस नहीं फरमाया कि तू मेरे बंदों को मुझसे जुदा करे, बल्कि इसलिए मबूस फरमाया है कि मेरे बंदों को मुझसे मिलाए। अब जाओ और मेरे बंदे को जंगल से वापस ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसी वक्त जंगल की तरफ भागे और इस चरवाहे को ढूंढ लिया। आपने इस चरवाहे को मुबारक दी और कहा, तुझे इस तरीके पर मनाजात की इजाज़त मिल गई है, जो भी मोहब्बत भरे अल्फाज तेरी ज़ुबान पर आए तू कहता रहे, इसलिए कि तेरा मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद है। मौलाना रोम इस हकायत में ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान की नियत और एमाल को देखता है, इनकी पसंदीदगी चेहरे से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से है जिससे वो अल्लाह ताला को याद करता है।